डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत ही जल्द जामिया मिलिया इस्लामिया का 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फॉर्म निकलने वाला है। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने आज जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th क्लास में जिन्हें अपियर होना है उनके लिए टिप्स और ट्रिक्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे उन्हें तैयारी करनी है, तो आइए देखते हैं कि हमें जामिया मिलिया इस्लामिया 11th साइंस में तैयारी करने के लिए किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्या पढ़ना होगा और उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस है क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक्स। वहां सिर्फ 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से मैथ्स 20 मार्क्स के होते हैं, फिजिक्स 15 मार्क्स के, केमिस्ट्री 15 मार्क्स के, बायोलॉजी भी 15 मार्क्स के, इंग्लिश 25 मार्क्स के और जनरल नॉलेज यानी जीके 10 मार्क्स के। इस तरह से 20 नंबर के मैथ्स और 45 नंबर के साइंस, 25 का इंग्लिश, 10 का जीके मिलाकर टोटल 100 मार्क्स हुए और इसके लिए आपको टाइम मिलेंगे 2 घंटे यानी 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 सवालों को करना होगा जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे और उन्हें ओएमआर शीट में आपको सर्किल को ब्लैक करना होगा। अब हम आइए देखते हैं कि मैथ और साइंस, जाहिर सी बात है वही चीज पढ़नी है जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी मैथ और साइंस। पढ़ना सभी चीज को है कायदे से, लेकिन जिन चैप्टर्स से ज्यादा सवाल आते हैं उन्हें आप ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आप किन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, आइए मैं आपको कुछ उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताता हूँ। मैथ्स में आप ज्योमेट्री, मैंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और पॉलिनोमियल्स को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करिएगा, क्योंकि इससे अच्छे खासे सवालात पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स पे आप पूरी तरह से फोकस करिएगा और बकिया चैप्टर को भी पढ़िएगा, लेकिन इनको सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट समझकर इन्हें पहले पढ़िएगा। अब आइए हम देखते हैं कि साइंस में हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन तीन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और इन तीन चैप्टर से ही फिजिक्स में ज्यादा सवालात पूछे जाते हैं। बकिया चैप्टर्स हैं उन्हें भी पढ़िएगा, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन इन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझकर इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब आइए हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमें किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे बहुत ही अच्छी तरह से नजर होनी चाहिए। आपको इन चैप्टर्स पे पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल टेस्ट में सॉल्व कर सकें। उसी तरह से बायोलॉजी में आप लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे आपकी निगाह
अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि मैथ और साइंस में हम किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करके कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। जाहिर सी बात है कि 10th क्लास में, वो भी अभी अभी, जो कि आप एग्ज़ाम के मराहिल से गुजर रहे होंगे, नहीं तो मार्च में आप एग्ज़ाम देंगे, जाहिर सी बात है कि सब आपका पढ़ा होगा, सब आपका तैयार होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जब भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने बैठें तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना कभी ना भूलें। कम से कम 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें, उसे भी सॉल्व करें, क्योंकि उससे अक्सर 25 से 30% सवाल लड़ जाते हैं। अगर आप 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छी तरह से कर लेंगे तो 25 से 30% सवाल आपके उसी से आ जाएंगे। तो आपकी की निगाह सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे भी होनी चाहिए, और बकिया आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे रेफरेंस के तौर पे। आप आरडी शर्मा की भी बुक पढ़ सकते हैं, आरके अग्रवाल की भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों पे आप कंसंट्रेट करिए तो यकीनन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बुक के चक्कर में हम उलझ कर रह जाते हैं और सही तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ पाते, थोड़ा उस बुक से, थोड़ा उस बुक से, थोड़ा उस बुक से। नतीजा क्या होता है कि एग्ज़ाम का वक्त आ जाता है और हमारी तैयारी अधूरी रहती है, और हम फिर नर्वस हो जाते हैं, जिससे हम चाहते हुए भी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो तैयारी से पहले प्लानिंग करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखिए, और फिर देखने के बाद आप किताब पढ़िए, और किताब से आप देखेंगे कि जिस तरह से सवाल आए हैं उसी पैटर्न पे आप चलने की कोशिश करिए तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, और फ्री में घर बैठे हर कंपटीशन की टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने की कोशिश करिए और इंजॉय करिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश और जीके में क्या पूछेगा इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप मैथ और साइंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।